ये जश्न तीसरे शतक का है। दरअसल बुधवार को रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में मुंबई और उत्तर प्रदेश टीम आमने सामने थी। हालांकि ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन इस मैच में तीसरे शतक के लिए सरफराज खान की खूब चर्चा हो रही है। मुंबई की तरफ से 22 साल के सरफराज ने तूफानी अंदाज में नाबाद तीसरा शतक लगाया और खूब चौके छक्के लगाए। आपको बता दें कि सरफराज अपनी तेज तरार पारी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में काफी चर्चा बटोर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। खास बात ये रही कि सरफराज ने सहवाग के अंदाज में छक्का जड़कर अपना तीसरा शतक पूरा किया। सरफराज खान ने 388 गेंदों पर अपना तीसरा शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 30 चौके और 8 छक्के लगाए। खास बात ये रही कि उन्होंने 77.32 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से ये तीसरा शतक पूरा किया। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सरफराज खान का पहला तीसरा शतक है। दिलचस्प बात है कि इससे पहले उन्होंने कभी दोहरा शतक तक नहीं लगाया था। इस सीजन में सरफराज ने कर्नाटक के खिलाफ 8 और नाबाद 71, वहीं तमिलनाडु के खिलाफ 36 रन की पारी खेली थी। और अब इस पारी में सरफराज खान ने अपना दोहरा शतक 277 गेंदों पर पूरा किया है। दाएं हाथ के 22 साल के युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने 294 रन से सीधा छक्का लगाया और अपने स्कोर को 300 में बदल दिया। अक्सर हम भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को देखा जाता था कि वे 200 और 300 रन अक्सर छक्के के साथ पूरा करते थे। इससे पहले 250वां रन भी उन्होंने छक्के के साथ पूरा किया, जो दर्शाता है कि उनको अगर पाले में गेंद मिलेगी तो वो विकेट की परवाह नहीं करेंगे, फिर चाहे वो किसी भी स्कोर पर बल्लेबाजी क्यों ना कर रहे हों। रणजी ट्रॉफी 2019-20 में सरफराज खान तीसरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सरफराज से पहले बंगाल की टीम के बल्लेबाज मनोज तिवारी और मिजोरम टीम के बल्लेबाज तरुवर कोहली भी इस साल नाबाद तीसरा शतक ठोक चुके हैं। इसके अलावा राहुल दलाल और संजय 250 से ज्यादा रन की पारी खेल चुके हैं। इस सभी बल्लेबाजों ने नाबाद पारियां खेली है। वही सरफराज खान के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बेहद तेज तरार पारी खेली थी। उस मैच में उन्होंने 10 गेंदों पर 35 रन बनाकर खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने अगले 3 मैचों के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरफराज की मैदानी फिटनेस को देखते हुए ये फैसला किया गया है। अब मैदान पर लंबा समय बिताकर सरफराज खान ने एक तरह से विराट कोहली को भी अपनी फिटनेस को लेकर करारा जवाब दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में सरफराज खान ने कुल 33 मैचों में 27.2 के औसत और 142.65 के शानदार स्ट्राइक रेट से 408 रन बनाए हैं। इसमें एक अर्धशतक शामिल है। आईपीएल 2019 में सरफराज को 8 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 45 के औसत और 125.87 के स्ट्राइक रेट से 180 रन बनाए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।